Navi Mumbai Network. नवी मुंबई ओसवाल जैन ट्रस्ट द्वारा महाघोर तपस्वी परम पूजनीय गुरुदेव श्री निहाल चंद्र जी के जन्मोत्सव वसंत पंचमी महोत्सव और सुमति विशाल ओसवाल भवन के भूमि पूजन का त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन सानपड़ा सेक्टर 6 में जोशो खरोश के साथ किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे एरोली के विधायक गणेश नायक। साथ ही उपस्थित थे नवी मुंबई ओसवाल जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र सुराणा, समाज सेवक राजेश ठाकुर आदि। बता दें कि ओसवाल जैन समाज के साथ गणेश नायक का एक आत्मिक और घनिष्ठ रिश्ता रहा है। सर्वधर्म संभाव की भावना का जतन करते हुए गणेश नायक ने हमेशा से ही एक पारिवारिक रिश्ता इस समाज से रहा है। इस दौरान ओसवाल समाज के गुरुवर्य का गणेश नायक ने आशीर्वाद लेते हुए इस खास अवसर पर मंच पर घोषणा करते हुए कहा कि ओसवाल भवन में एक कमरे के निर्माण हेतु अपने तरफ से निधि देने की उन्होंने घोषणा की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए गणेश नायक ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नायक परिवार के साथ ओसवाल समाज के अनूठे रिश्ते को बयान करते हुए कहा, ये ओसवाल जैन समाज अलग है। 13वें समाज से आचार्य महाप्रज्ञ जी का मुझे सानिध्य मिला है, मुझे पूरे आशीर्वाद मिले। जनक मुनि महाराज जो वो भी एक पंथ के मुख्य मुनि रह चुके हैं एक कालखंड में, तो इस साथ में अभी नई मुंबई ओसवाल जैन समाज के भी जो साधु संत है इनका भी आशीर्वाद मिला है। बात ऐसी कि मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि हिंदू धर्म ये दूध है, बौद्ध धर्म ये क्रीम है यानी मलई है, और उसमें से जो प्योर घी निकलता है वो जैन धर्म है। अभी ये मुझे कहने में हिंदू लोगों को क्या लगे इसके लिए मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। मैं मेरे मन में जो बात आई मैंने कह डाली और वो बात कही है, वो बात सच है, इसलिए मुझे कुछ बात का एक आनंद कहने में आनंद होता है। तो इसका मतलब जैन समाज के लोग युवा वर्ग को क्या मैसेज ये पक्का मिलेगा कि भाई अपना धर्म की विचारधारा ऊंचाई पे है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।